इंग्लिश, ठीक है। क्या सीखेंगे? हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। इसमें डबल हर्ष करना सीखेंगे। कौन डबल हर्ष का इसमें लगा देखो, डबल हर्ष कैसे क्रिया करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या देख लो, पहला नंबर क्वेश्चन कोर्सिकर स्वाक नौदीर्घिकर की है किसानी, की है किसानी, इसमें दीर्घिकर हो गया। हम डबल हर्ष की बात किए हैं, ठीक है, डबल हर्ष की बात किए, ठीक है, ठीक है, इधर से सिखा दे, ठीक है। क्वेश्चन स्वागत किसानी, ठीक है। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। स्वर्षिकर या नौहर्षिकर सियानी, किया स्वर्षिकर या नौहर्षिकर सियानी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। को का इंग्लिश की होता है, सबसे पहले को का इंग्लिश देखेंगे के, हर सीकर का इंग्लिश की होता है आई, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? अगर ये समझ गया लिख लेना, तो यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है बाबू, समझ गया बाबू, ठीक है। पहला किसका क्रिया होगा? को का, क्योंकि पहले को का क्रिया होता है हर सीकर क्रिया। ये नहीं समझना कि पहले हर सीकर का लगा, पहले हर सीकर का, नहीं वो गलत हो गया। पहले को का क्रिया करेंगे, को का इंग्लिश क्या होता है? के, हर सीकर के आई, आई। सो का इंग्लिश क्या होता है? हर्षिकर का भी क्रिया हो गया, को का भी क्रिया, पहले को का हर्षिकर, अब क्या बचा है? सो और आकर बचा है, की बचा है सो और आकर, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एस, फिर आकर इंग्लिश क्या हो जाएगा? ए, नो की इंग्लिश क्या हो जाएगा? एन, हर्षिकर के आई, क्यों हो गया? किसानी। यहाँ समझ गया था, समझ को दिक्कत। आप देखो सो की इंग्लिश क्या लिखे, सो का इंग्लिश ऐसे सो होता है ना, ऐसे सो, पहले सो का इंग्लिश लिखेंगे, सो का इंग्लिश, सो इंग्लिश की लिखेंगे, समझ गया, सो का इंग्लिश, ठीक है। ये आकर है, ऐसे रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्यों जगह गलत, जब इसमें हर्षिकर लगे ना कर लगने का कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई एक ही क्रिया आकर ऐसे रहे तो हर्षिकर लग सकता है, समझ गया। पहला इंग्लिश की होगा सो इंग्लिश एस, अब हर्षिकर लगा हुआ, हर्षिकर क्यों जगह आई, आई, ठीक है। यो क्यों जगह वाई, यो का वाई, ठीक है। कहा ना कुछ तो आकर छुपा था, क्या छुपा था? आकर, इसको क्या बोलता, याधा यो, अगर इसमें आकर लग जाएगा तो क्यों लगा है? पूरा यो, समझ गया, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई ए, ठीक है। नो इंग्लिश क्या हो जाएगा? एन, हर्षिकर की लिखे हैं आई, ठीक है। नो इंग्लिश क्या होता है? एन से नो, ठीक है। हर्षिकर की लिखे हैं आई, यहाँ तक समझ गया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक बार देख लो, क्वेश्चन बस यही बोल दो बाबू, क्लास छोड़ के मत जाएगा, क्लास आप छोड़ के जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बस क्लास में रहिए, कैसे हम समझाते हैं देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मिलित, मोहर्षिकर, लोहर्षिकर, तो क्यों गया मिलित। चौथा क्वेश्चन किया चिड़िया, चोहर्षिकर, रोहर्षिकर, या क्या हो गया चिड़िया। सब में हर्षिकर, डबल हर्षिकर, कितना हर्षिकर लगा हुआ? डबल हर्षिकर, दोनों अक्षर में डबल डबल हर्षिकर, ठीक है। पहले किसका क्रिया करेंगे? मो का, मो इंग्लिश क्या होता है? एम से मो, एम से मो, सबका इधर इंग्लिश लिख दिया, एम से मो, ठीक है, एम से मो। हर्षिकर इंग्लिश क्या होता है? आई, आई, ठीक है। बचा है, इसमें भी हर्षिकर लगा, इसमें लो है, पहले किसका क्रिया लगा? लो का क्रिया होगा तब हर्षिकर का, लो इंग्लिश क्या होता है? एल, क्या होता है लो इंग्लिश? एल, एल से लो, हर्षिकर क्या हो जाएगा? आई, हर्षिकर के आई। तो इंग्लिश क्या लिखता है? ती से तो, ती से तो, ठीक है। इंग्लिश क्या होगा? टी की, टी की मिलित। आप देखो चौथा तीसरा समझा, अब चौथा क्वेश्चन गौर से देखो और ध्यान से देखो, ठीक है। क्लास सुन के जाओगे कुछ भी समझ में आएगा, पावर भी समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। चौथा किस इंग्लिश क्या होता है? चो इंग्लिश क्या होता है? सी से, सी एस से चो, सी एस से चो, तो सी एच होगा इसका, सी एच, हर्षिकर की लिखेंगे आई, सबसे पहले शुरू में कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल, ये ना कि पहले स्मॉल इंग्लिश में कैपिटल करेंगे, गलत हो जाएगा, बढ़ाने का नियम गलत हो गया प्रोसेस, ठीक है। हर्षिकर इंग्लिश की लिखेंगे आई, इसका क्या होता है? डो का, डी होता है डो, तो डी, डी, हर्षिकर क्या हो जाएगा? आई। आप बताओ वाई में हर्षिकर आकर लिखा है, आकर लगा हुआ, हर्षिकर नहीं हुआ, आकर इसकी होता है, आकर इसकी होता है ए, ठीक है। तो पहले किसका इंग्लिश होगा? वाई का, तो पहले को वाई के लिखेंगे, फिर आकर का क्या होता है? ए, आकर की लिखे ए। चौथा समझ आया क्वेश्चन, क्या हो गया? चिड़िया, पर सी एच आई डी आई एच, क्या हो गया? चिड़िया, ठीक है, चिड़िया होता है लेकिन पहा जाता क्या? चिड़िया, समझा जाता मेरे क्वेश्चन की है। पपीता, पो पोहर्षिकर,
तो कहता क्यों गया पपीता, इसमें बताओ के हरसिकर लगा हुआ, इसमें एक हरसिकर लगा, क्या को एक को देखो एक हरसिकर लगा है, ठीक है क्या पपीता, पहले किसका क्रिया होगा, पहले क्रिया इधर देखो किसका होगा, पीसे पो, पीसे पो क्यों था पीसे पो, तो पहले की इंग्लिश लिखेंगे पी का ठीक है, नहीं कुछ तो आधा पो है, ठीक है इसको आधा पो, जब इसमें आकर लग जाएगा तो पूरा पो हो जाएगा, इसमें ये लग गया तो पूरा पो, ठीक है आपकी बच्चा फिर पो तब हरसिकर है, पहले हरसिकर तब पो है, पहले किसका क्रिया करेंगे पो का तब हरसिकर का, ठीक है पहले पो की लिस्ट लेंगे पी, ठीक है फिर हरसिकर क्या होता है आई, आई तो किसकी लिखे है देखो टी, तो टी लिखेंगे आकर किसकी लिखे यहाँ लिखे ए, क्यों गया पपीता, यहाँ तक समझा, अगर कोई भी दिक्कत है हमको बोलिएगा सर कि सर यहाँ दिक्कत है, हम आपको हमेशा समझाने के लिए आते हैं, ठीक है अगर हमसे कोई गलती हो उसके सॉरी, ठीक है आप देख लो अच्छा से।